अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हमारे एक दोस्त हैं जो कि टेक्निकल काम करते हैं। जी हाँ, उनका जो ताल्लुक है वो एनर्जी से है। तो उन्होंने रिसर्च की है और इंजीनियर हजरात हैं, उनके साथ वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करते रहते हैं सोलर पैनल के हवाले से। तो उन्होंने रिसर्च की है और मुझे भी मशवरा दिया है कि तसव्वुर भाई, आपका बिजली का बिल जो ज़्यादा आता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लें, आपका बिल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो मैं समझा ये सोलर का काम करते हैं तो ये मुझे सोलर पैनल लगाने का मशवरा देंगे, या ये कोई यूपीएस या कोई बैटरी या कोई इन्वर्टर कोई ऐसी चीज़ बताएंगे कि जिससे हमारे घर का बिजली का निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो जाए और हमारे यहाँ बिल कम आए। तो उन्होंने एक हैरत अंगेज़ बात बताई कि आपके यहाँ जो पुराने पंखे हैं आप उनको निकालें और उसकी जगह एसी डीसी का आप एक फ़ैन लगा लें। तो मैंने बोला भाई हमारा पंखा तो पुराना नहीं है, हमने तो अभी नया ख़रीदा है, 2-3 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं, तो इनकी वारंटी तो 10 साल तक है और हमने मल्टीनेशनल क्या कहेंगे इसको, ये बोलेंगे कि आला क्वालिटी का पंखा लिया था हमने। मैंने उन्हें तफसील बताई, वो बोलना नहीं भाई आप एसी डीसी फ़ैन लगाएं और अच्छे ब्रांड का लगाएं, आप देखिएगा कि आपके बिजली के बिल में हैरत अंगेज़ तौर पर कमी आएगी। अब मैं आपको अपने घर से मिसाल देता हूँ। मैंने बोला भाई हमारा जो बिजली का बिल है वो एक मरतबा, हमारे यहाँ दो पोर्शन है, ऊपर का अलग है नीचे का अलग है, तो 2 मीटर है भाई, 201 यूनिट जले थे, एक यूनिट ज़्यादा जलने की वजह से हमें 6 महीने प्रॉब्लम हुई और हमारा बिल 4,500-5,000 आता रहा। वो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एसी डीसी का फ़ैन लगा लेंगे ना तो आपके तकरीबन 30 से 35 यूनिट कवर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत हैरान कन बात है कि 30 से 35 यूनिट सिर्फ एक पंखा चेंज करने से, एसी डीसी फ़ैन लगाने से होता है। तो मैं करके देख लूँगा भाई। तो मैंने सोचा ये रिसर्च मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, शेयर करूँ ताकि इससे लोगों का भला हो। जी हाँ दोस्तों, इनका के इलेक्ट्रिक का ये सिलसिला है, मैं इनके ऑफिस गया था कि भाई अब हमारा कम यूनिट जलना है, हमारा बिजली का बिल कम क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला 6 महीने तक आपको 200 के अंदर रहना है, तो 7वें महीने में आपका जो बिल आएगा वो फिर कम पैसों के हिसाब से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर की बिजली भी कम इस्तेमाल हो और आपके यूनिट भी 200 के अंदर हो जाएं, तो आप सबसे पहले ये फ़ैन लगाएं। उसके बाद हमारे एक और दोस्त ने बोला कि आप शाम 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक पानी की मोटर ना चलाएं, इससे भी कोई चक्कर होता होगा अल्लाह बेहतर जाने। तो दोस्तों ये एक मेन पॉइंट पंखा था, फ़ैन था, जो कि छत के पंखे होते हैं। तो आप एसी डीसी लगा के देखें कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसमें 2-3 कंपनियां बहुत मशहूर और मारूफ चल रही हैं, आप लगाइएगा अच्छी कंपनी का, ब्रांड का लगाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, अब जिन हजरात के घर एसी डीसी फ़ैन ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया ये बात सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको आज की मेरी ये एनर्जी सेविंग से मुतालिक वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करें और मेरा चैनल है कड़वी बातें, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।